नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह खंगारोत पे। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम कैसे किया जाए, उसको करने की विधि क्या है, और उसके बाद जानेंगे उसको करने के लाभ क्या है। तो आइए जानते हैं उज्जायी प्राणायाम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में इस प्रकार से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें और कोई भी मुद्रा लगा लें, चाहे आप ज्ञान मुद्रा लगा लें, पहले उंगली अंगूठा में डालें। चाहें तो अगर आपको एसिडिटी वगैरह रहती है, पेट में कब्ज रहती है, तो आप वायु मुद्रा लगा सकते हैं। वायु मुद्रा में हम पहले उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाते हैं। इस प्रकार से तीनों उंगलियाँ सीधी रहेंगी, ऐसे बैठ सकते हैं। और कब करना है हमें प्रयास करना है कि इस प्राणायाम को हम सुबह सुबह करें, खाली पेट करें और गार्डन इत्यादि में करें, खाली जगह पे करें जहां आपको ऑक्सीजन अच्छे प्रकार से मिल सकती हो, या फिर आप खाना खाने के घंटे दो घंटे बाद भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ हम गले का इस्तेमाल करेंगे। अभी जब हम बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो सुबह करना है, खाली पेट करना चाहिए और ये आपकी स्थिति रहेगी, इस स्थिति में हम बैठेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं बैठ सकते, मान लीजिए आप नीचे नहीं बैठा जाता, तो आप चेयर पे या फिर बेड वगैरह पे बैठ के भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि जब भी हम कोई प्राणायाम या आसन करें तो नीचे बैठ के करें। अगर आप फिट हैं, बैठ सकते हैं, तो नीचे ही बैठें और ये भी ध्यान रखें कि दरी, चटाई या फिर मैट वगैरह पर बैठें, ताकि जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में प्राणायाम या आसन करने से पैदा होती है वो हमारे शरीर में ही रहे, शरीर से ना निकले, अन्यथा हमको 50% लाभ ही मिलता है। तो आइए जानते हैं कि हमें उज्जायी प्राणायाम कैसे करना है। उज्जायी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, सिर्फ गले से आवाज़ करते हैं। गले का मतलब हम यहाँ पर जो हमारा कंठ है वहाँ से एक प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो एक बार आप इसको देखें। ये जैसे हमको प्रयास करना है कि यहाँ से आवाज़ निकालें, शुरू शुरू में हम इसको धीरे धीरे निकालेंगे। जब आप नए हैं तो एकदम से नहीं होगा, पहली बार तो पता ही नहीं चलेगा कि आवाज़ कहाँ से निकालनी है, लेकिन जब आप प्रयास करेंगे तो आवाज़ अपने आप यहाँ से आने लग जाएगी। जैसे कबूतर आवाज़ निकालता है, उस प्रकार की आवाज़ ये होती है। और जब आप थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाएंगे तो फिर आपको इसको बढ़ाना है, थोड़ा सा हम उसको लंबा खींचेंगे। और जब हम इसको ऐसा करेंगे तो साथ साथ हमारी सांस भी अंदर की ओर जाएगी। सांस पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ आवाज़ पे ध्यान देना है कि हमें कंठ से आवाज़ को निकालना है और लंबा निकालना है। पहले ये फर्स्ट स्टेप है कि हम आवाज़ निकाल रहे हैं, जितने ज़्यादा आप अभ्यस्त हो जाएंगे, जितना आप प्रयास करेंगे उतनी लंबी आवाज़ आपकी अंदर से निकल पाएगी। इसका सेकंड स्टेप है, जब हम इसमें अभ्यस्त हो जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमने आवाज़ ली, सांस अंदर भर जाता है और फिर जब ये अंदर भर जाता है सांस, तो हम राइट नोस्टल को, दाई नाक को बंद करेंगे और ठोड़ी को यहाँ कंठ में लगा देंगे। ऐसे नहीं करना है, सिर्फ ठोड़ी को कंठ में लगा देना है, नाक बंद करनी है राइट वाली, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें और फिर उसको हम बाईं से खाली कर देंगे। ये पूरा तरीका है उज्जायी प्राणायाम करने का। सांस को भरा, आवाज़ की, रोका, दाईं नासिका को बंद किया और ठोड़ी को कंठ में लगाया और बाईं से खाली कर दिया। बाईं से इसलिए खाली करते हैं क्योंकि हम जो सांस अंदर भरते हैं या जो हम आवाज़ करते हैं, उस घर्षण से वो गर्म हो जाती है और गर्म सांस को हम हमेशा बाईं नाक से, यानी जो ठंडा स्वर हमारा होता है, चंद्र नाड़ी जिसे हम कहते हैं, वहाँ से हम निकालते हैं। ये प्राणायाम के नियम हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें आवाज़ करनी है, नाक को बंद करना है,
ठोड़ी को यहाँ लगाना है और सांस को खाली कर देना है। लेकिन जब तक आप नए हैं, पूरा स्टेप्स नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो आप इतना भी करेंगे, सिर्फ इस प्रकार से करें, इतना करें आप, एकदम कोई भी काम हमसे नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है, इतना प्रयास करें, फिर धीरे धीरे लंबा करने की कोशिश करें। और फिर थोड़ी और आदत हो जाएगी तो और लंबा हो जाएगा, जिस प्रकार से हम एक बार और देखते हैं। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोका, फिर बाई नाक से खाली कर दिया। तो ये तरीका था उज्जायी प्राणायाम करने का। अब हम ये जानते हैं कि इसको करने के लाभ क्या हैं। इसको करने के सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलेंगे जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, पैराथायराइड की प्रॉब्लम रहती है, या फिर जिन लोगों को गले में संक्रमण होता है, इन्फेक्टेड रहता है हमेशा, खासतौर पर जब मौसम बदलता है तो ये बहुत कारगर है। जिन लोगों को एलर्जी रहती है उन लोगों के लिए बहुत ठीक है। जिन लोगों को जुखाम रहता है उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है, बहुत आरामदायक है, बहुत लाभ देता है। वे सभी लोग जिन लोगों को गले में इन्फेक्शन के साथ साथ कई बार भारी आवाज़ हो जाती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको टॉन्सिल्स होते हैं, जिनको मम्स होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, यानी जिन लोगों को खर्राटे आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, यानी कई बार सोते सोते आपको सांस नहीं आता ऐसा महसूस होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। वो लोग जिन लोगों को पार्किंसन की प्रॉब्लम है, यानी जिनकी बॉडी शिवर करती है, कांपती है, उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। हालांकि शिवरिंग का डायरेक्ट रिलेशन ब्रेन से होता है, लेकिन फिर भी अगर हम इस प्राणायाम को करते हैं तो इसको करने से हमें पार्किंसन में भी मदद मिलती है। तो जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। आप उनको लगातार करवाएं, थोड़े दिन में उनको इससे आराम मिलेगा। अब ये देखते हैं कि कितनी बार इसको करना है। इसको जो नॉर्मल इंसान है वो 5 बार, 7 बार, 10 बार, 11 बार, और जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो 20-21 बार तक भी इस प्राणायाम को कर सकता है। सुबह कर लें, जिनको ज़्यादा समस्या है थायराइड की वो शाम को कर लें, और दिन में कर लें, दिन में 2 बार, 3 बार भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा उज्जायी प्राणायाम। आज हमने इस प्राणायाम के बारे में बात की, बहुत लाभदायक, बहुत कारगर। सिर्फ प्रयास ये करें कि आप उसको रेगुलर करें, कंसिस्टेंसी में करें, निरंतर करें। किसी भी प्राणायाम या आसन को करने का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उसको निरंतर करेंगे, और उसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद। उसके लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो एक तो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, दूसरा हमें पेशेंस चाहिए, तब जाके उसका रिज़ल्ट आएगा। 1 दिन में, 2 दिन में कोई भी काम नहीं होता है। जो भी करें उसको सही तरीके से करें। अगर आपको कोई समस्या है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप किसी योगाचार्य से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो इस चीज़ के बारे में जानता हो उससे बात कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगे रहें। योग को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। योग करें, निरोगे रहें, और आपका दिन शुभ हो। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।